क्या आपने कभी ये सोचा है कि गहरे समुद्र के बीच में ये बड़े बड़े ऑयल रिग्स आखिर कैसे बनाए जाते हैं? क्योंकि समुद्र की गहराई काफी चौंका देने वाली है। एग्जाम्पल के लिए मारियाना ट्रेंच को ही देख लो, ये दुनिया की सबसे गहरी खाई है जिसकी गहराई 11 किलोमीटर से भी ज्यादा है। मतलब अगर इसमें माउंट एवरेस्ट भी समा जाए तो भी इसमें 2 किलोमीटर की जगह बच जाएगी। अब यूजुअली समुद्र में हर जगह इतनी गहराई नहीं होती, पर फिर भी गहराई 3 से 11 किलोमीटर के बीच में तो होती ही है, जो कि स्टिल काफी ज्यादा है। तो सवाल ये है कि इन ऑयल रिग्स को आखिर कैसे बनाया जाता होगा? तो देखो, जब समुद्र की गहराई ज्यादा नहीं होती तो ज्यादातर केसेस में ऑयल रिग्स को जमीन से लेकर पानी के ऊपर तक पूरा बनाया जाता है। पर जब ऑयल रिग्स को समुद्र के बीच में बनाना होता है तो उन्हें नीचे से नहीं बनाया जाता, बल्कि पॉन्टून्स नामक एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है जिस पर ऑयल रिग्स तैरते रहते हैं। ये प्लेटफॉर्म एंकर्स के जरिए जमीन से अच्छी तरह बंधा होता है ताकि ऑयल रिग में कोई डिसबैलेंस ना हो।